दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ द्वारा उप अभियंता सिविल इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इस विज्ञापन में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत एवं यांत्रिक प्रकोष्ठ में उप अभियंता की सीधी भर्ती की जानी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पोस्ट रहेंगी और क्या क्राइटेरिया इसमें रहेगा। तो दोस्तों, यांत्रिक प्रकोष्ठ के उप अभियंता सिविल के 98 पद, इलेक्ट्रिकल के 2 एवं मैकेनिकल के 3 पद की पोस्ट निकाली गई है। इस प्रकार टोटल 103 पदों की वैकेंसी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा निकाली गई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर भरे जाएंगे। इनके रिक्त पदों की जानकारी इस विभाग की वेबसाइट uad.cg.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या डेट निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 3 अगस्त 2018 शुक्रवार से प्रारंभ होगी और जमा करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2018 रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके 9 सितंबर को संभावित परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है, जो 10 बजे से प्रारंभ होकर 1:15 तक आयोजित की जाएगी। दोस्तों, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखते हैं इसका क्या वेतनमान रहेगा। छत्तीसगढ़ में सब इंजीनियर्स का वेतनमान तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 3,934,800 प्लस ग्रेड पे 4,200 है। ये ग्रेड पे छठे वेतन आयोग की अनुशंसा वाला है। सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे कुछ चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, 4,200 ग्रेड पे निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में तो केवल 3200 ग्रेड पे है सब इंजीनियर्स का होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4200 ग्रेड पे निर्धारित किया गया है। सातवें वेतन आयोग में लगभग 45,000 रुपये सैलरी सब इंजीनियर्स की बन सकती है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल मैकेनिकल विद्युत में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि या समकक्ष अर्हता, मतलब दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए सुनहरा मौका है। यदि किसी व्यक्ति ने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, तो वो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर आप बी किया है आपने, तो बी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डिग्रीधारी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पहले डिप्लोमा वालों को मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा, उसके बाद अगर उनकी पोस्ट पूरी फुल नहीं होती है तो बी वालों को नाम दिया जाएगा। तो इसके लिए आयु सीमा क्या होगी। दोस्तों, 1 जनवरी 2018 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। इसका अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार दे होगी। तो ये चयन परीक्षा दोस्तों बिलासपुर एवं रायपुर में दिनांक 9 सितंबर को 10 बजे से 1:15 तक आयोजित की जा सकती है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल डेट अभी तक रिलीज की जा चुकी है, तो ये संभावित 9 सितंबर को हो सकती है। दोस्तों, 1 या 2 सितंबर को मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर्स की भर्ती परीक्षा होने वाली है और 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ में ये परीक्षा होगी। दोस्तों, तो दोस्तों इस परीक्षा में बैठने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के ही एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे, किसी दूसरे राज्यों के निवासियों को मौका नहीं मिल रहा है। 150 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। यदि आप समान अंक प्राप्त करते हैं तो जिसकी जन्मतिथि ज़्यादा होगी उसे पहले वरीयता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास में 103 पोस्ट की भर्ती परीक्षा निकाल दी गई है। इसके लिए आप अभी 3 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए टोटल सभी जिलों का आरक्षण प्रदान किया गया है। नगर पालिका निगम में जिले वाइज पोस्ट दी गई है, कितनी जनरल की, कितनी एससी की, कितनी एसटी की और कितनी ओबीसी की, तो आप ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में सिविल की कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, उप अभियंता सिविल की यांत्रिक प्रकोष्ठ में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। रिक्त पदों का विवरण उप अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए नगर पालिका निगम में और मैकेनिकल के लिए नगर पालिका निगम में दर्शाई गई तालिका अनुसार ही आरक्षण निर्धारित किया गया है। दोस्तों,
तो ये रहा छत्तीसगढ़ व्यापम का नया नया एडवर्टाइजमेंट, जिसमें सब इंजीनियर्स सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए विज्ञापन आमंत्रित किए जाने वाले हैं 3 अगस्त से। तो दोस्तों, आगे की अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के मैंने अभी जो वीडियोस डाले हैं, जिसमें सब इंजीनियर्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के पेपर सॉल्व किए हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जानिए आगे के अपडेट्स। थैंक यू।